लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज 89 और प्रेस करें बेल आइकन। आपने अपने जीवन में कई तरह के मुकाबले देखे होंगे, मगर आज राजपुरा के नजदीक गांव फरीदपुर जट्टा में एक अनोखे कबूतर मुकाबले का आयोजन करवाया गया, जिसमें अमनदीप सिंह कबूतर क्लब के प्रधान की अगुवाई में कबूतर मुकाबलों का आयोजन गांव में ही करवाया गया, जिसमें 2 दर्जन के करीब कबूतरों को आकाश में छोड़ा गया, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक लगभग 11 घंटे आकाश में उड़कर शाम को अपनी छत पर पहुंचे। सबसे बाद में आने वाले कबूतर के मालिक को कबूतर क्लब की ओर से 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने कबूतर क्लब के मुकाबले करवाने वाले प्रधान अमनदीप सिंह से विशेष तौर पर बात की। आइए सुनते हैं उनका इस मौके पर क्या कहना था। कबूतर भाई शौक सानू बचपन तो ही है, तो 4-5 साल तो अभी टूरनामेंट करा रहे हैं कबूतर के, जिदे साडे पिंड के नौजवान होर बाहरले पिंड की टीम पहुँचते हैं जो कि नशे तो दूर हैं। ठीक है, तो ये शौक काफ़ी पिंड शौक है, बहुत बड़े बड़े टूरनामेंट होंगे। ठीक है जी, तो कहते अभी खुराक दें, खुराक के नाल उड़ते हैं। ठीक है, कहते खुराक है बदम काजू मगज झोना मक्की खाते हैं। जो अडारी 7:30 बजे शुरू की है तो 6:30 बजे खत्म होगी, 11 घंटे की अडारी है। तो जो जो सब तो बाद उतरूगा कबूतर उन्होंने इनाम भी दिता जाऊगा। नौजवान संदेश देना चाहते कि नशा तो दूर रहो। ठीक है जी, नशा तो दूर रहो, अपना किसी काम धंधे लगो, काम कार करो, इदा का कोई शौक पालो जिदा थोड़ा नाम बने, बाहर तुम मशहूर होवो। राजपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 89। लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज 89 और प्रेस करें बेल आइकन।